गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने एपिसोड तो देखा होगा, न्यू प्रोमो आ गया, तो ईशान को लगता है कि उसके अंदर में फीलिंग्स ऐसा निकल है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो मैंने वीडियो अब तक कोई नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बनाने के लिए। आपने ये सारे एपिसोड देख चुके होंगे, ये शायद 30 अक्टूबर का एपिसोड है। तो आपको क्या लगता है कि सभी ईशान की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या फिर सभी ईशान को माफ़ कर पाएगी? तो आपको क्या लगता है कि इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या फिर सभी के गुस्से की वजह से ईशान अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, या फिर रीवा के आने के बाद ईशान सभी को भूल जाएगा? तो आपका क्या राय है एक कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि ईशान सभी को बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन सभी ने उसकी एक भी बात मानी नहीं थी। इसीलिए वो अपने दोस्त से हेल्प लेता है। उसका दोस्त हेल्प तो करता है, फिर भी उसका कोई काम नहीं होता क्योंकि सभी फिर भी रुक के चली जाती है उसको लेक्चर देके। और ईशान परेशान रहता है उसकी बातें सुनने के बाद, फिर वापस अपने दोस्त के पास हो जाता है और अपने दोस्त से बोलता है, तेरा कितना घटिया आइडिया था, तेरी इस घटिया आइडिया की वजह से सभी फिर से वापस नाराज होंगे। अपने डेली एपिसोड तो देखते होंगे कि आगे क्या हो रहा है, पर मैं वीडियो शायद नहीं देख पाती हूँ ना, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी गाइस। हाँ, लेकिन अब से मैं बराबर वीडियो डालूँगी। तो इस ये एपिसोड को तो आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। इस एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला, इसलिए मैंने बनाया नहीं था, तो आज बना के डालना चाहती हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं फोटो में, ईशान सभी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन तभी रीवा का कॉल आ जाता है। रीवा का कॉल अटेंड करने लग जाता है। आपको क्या लगता है, इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या फिर स्टॉप हो जाएगी रीवा के आने की वजह से? वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।